हम कोई स्पॉन्सरशिप वाली वीडियो नहीं बनाते हैं, हम लाते हैं आपके लिए वैसे प्रोडक्ट जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। दोस्तों तो ज़्यादा देर ना करते हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जो प्रोडक्ट लेके आए हैं वो है 3 ऐसे धमाकेदार फ़ोन जो कि आपको 9000 के अंदर मिल जाएंगे। और अगर आप फ़ोन लेने की सोच रहे हैं वो भी 9000 के अंदर का, तो आज हम इसी पे जुड़े कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेके आए हैं जो आपको पसंद आए। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं ये मेरा फ्लिपकार्ट का विंडो खुला हुआ है और इसमें मैंने अपने विश लिस्ट आपको दिखाए। तो आप जो पहला फ़ोन आप देख रहे होंगे इन्फिनिक्स होट 12, तो चलिए बात करते हैं इस प्रोडक्ट। ये है इन्फिनिक्स होट 12 और ये जो है इसका स्टोरेज की बात कर लें तो ये 64 GB का है और इसमें आपको रैम मिल रहा है 4 GB, तो जो कि काफ़ी अच्छा आपको स्टोरेज कैपेसिटी भी मिल रहा है इतने कम दामों में। और इसका जो आप रियर कैमरा की बात करें तो 50 MP का इसका रियर कैमरा है और 8 MP का फ्रंट कैमरा है, जो कि कैमरा क्वालिटी के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। और इसकी डिस्प्ले की बात कर लें तो 6.82 इंचेस HD LCD IPS डिस्प्ले, जो कि इसे और भी धमाकेदार बनाता है। और बैटरी बैकअप की बात करें तो 6000 mAh की बैटरी मिल रही है दोस्तों आपको, और ये जो है 4G सपोर्टेबल है। और इतने कम प्राइस में ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है। तो बात करते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट की, तो वो ये है Realme Narzo 50i। तो इसके भी कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी आपको 4/64 का वेरिएंट दिख रहा होगा और इसका भी प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, 1.6 GHz का प्रोसेसर है और इसका भी बैटरी बैकअप बहुत धमाकेदार है और ये भी 4G सपोर्टेबल है। और इसके रेटिंग की बात कर लें तो 4.3 है ओवरऑल रेटिंग और लगभग 37,228 लोगों ने इसे 5-स्टार रेटिंग दी और ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है दोस्तों। अब बात करते हैं आज की तीसरी प्रोडक्ट की, तो आप देख सकते हैं ये है मोटरोला E7 पावर और ये भी 4/64 का ही वेरिएंट है और ये भी काफ़ी धमाकेदार फ़ोन है और ये आपको मिल रहा है मात्र 8,999 रुपये में। अभी तक मैंने जितने भी फ़ोन आपको बताए सब आपको 9000 के अंडर मिल रहा है। ये भी 4/64 का ही वेरिएंट है, इसका भी प्रोसेसर काफ़ी तगड़ा है और इसका भी बैटरी बहुत अच्छा है, 5000 mAh का बैटरी है और ये 4G सपोर्टेबल है। और इसकी भी रेटिंग की बात की जाए तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर्स वाला फ़ोन है और बहुत से लोगों ने इसे 5-स्टार रेटिंग दी। जैसा कि मैं बात कर रहा था तो 5-स्टार रेटिंग लगभग 43,256 लोगों ने दिया और ये भी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। दोस्तों अगर आप 9000 के अंडर में फ़ोन लेना चाह रहे हैं तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको यही तीनों फ़ोन में से एक सजेस्ट जरूर करूँ। अगर आप इसमें कोई भी एक प्रोडक्ट लेते हैं तो आप फायदे में रहें। दोस्तों और भी इसी तरह के अन्य वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।